नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक, जहां हम बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में। जब से प्लांट का ये चैनल शुरू हुआ है, यूट्यूब का पहला चैनल जहां हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के बारे में बात करते हैं, उसकी समस्याओं के बारे में खुल करके बात करते हैं, और जो भी समस्याएं सबको आ रही हैं, जो भी नहीं जिसको पता चल रहा है उसके बारे में भी हम क्लियर करके बात करते हैं। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया, प्रेशर गेज को कैसे देखें। सर मैं बताइए प्रेशर गेज में क्या देखते हैं। तो प्रेशर गेज में सबसे बहुत ही, अगर आपने आज ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको जो है कभी भी हैरान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से गेज को देख करके समझ पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रेशर गेज में सबसे पहला लिखा क्या होता है, क्या क्या हमको लिखा मिलता है, क्या ही लिखा होता है, केजी अपॉन सी एम एस स्क्वायर, कहीं लिखा होता है पीएसआई, कहीं लिखा होता है बार, कहीं लिखा होता है केपीए। तो किलो पास्कल, ठीक है, ये क्या है, केपीए मतलब किलो पास्कल, बार पीएसआई और केजी सी एम एस स्क्वायर। तो अब सबसे पहली चीज हम कंफ्यूज होते हैं, यार ये क्या है। पहली बात तो ये है कौन सी बला, पहले तो हमें ये समझना है आखिर ये जो लिखा है गेज में जो लिखा रहता है पीएसआई और केपीए केजी सी एम एस स्क्वायर, ये है क्या, ये क्या है दोस्त, ये है एक यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब इकाई, इकाई मतलब जैसे हम लोग लंबाई नापते हैं तो लंबाई की अपना जैसे नापते हैं उसको कैसे नापते हैं, कहीं एमएम से, एमएम से फिर सेंटीमीटर, सीएम से उसके बाद इंच, फुट, फिर और मीटर, मतलब बढ़ता चला गया ना, उसी प्रकार इसको जो है नापने का ये एक यूनिट है, इकाई है, जो लिखा होता है गेज में। ठीक है, प्रेशर गेज में जो लिखा होता है यही चीजें लिखी होती है। समझना हमको ये है कि कौन सी यूनिट छोटी होती है, कौन शुरुआत कहाँ से होती है, इसमें से कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसका क्या मतलब है, सारी चीजें अभी क्लियर होती सामने आ जाएंगी। ठीक है दोस्त, तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहली चीज क्या है कि प्रेशर का मानक क्या होता है, शुरुआत कहां से करते हैं, तो प्रेशर बराबर होता क्या है। अगर पूरी डिटेल से बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो है हम अपने मतलब की बात ले लेते हैं जो हमारे प्लांट में यूज होता है, ज्यादा हमें और आर्कमिडीज बनने की कोई जरूरत है नहीं यार, इससे ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमें प्लांट चलाना सीखना है तो उस पर ध्यान देना है, लेकिन हमें दिक्कत ना है इतना हमें सीखना भी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है जो मतलब थ्योरी है केजी अपान एमएस स्क्वायर, किलोग्राम अपान मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड केजी। ठीक है, ये है हमारा इसका सूत्र इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, इसी का जो है मतलब ये सूत्र है, इसी का नाम दे दिया गया क्या, पास्कल। क्या नाम दे दिया गया, पास्कल। ठीक, ये क्या हो गया, एक पास्कल। ये हमारी सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, जैसे लंबाई चौड़ाई नापते हैं ना, तो लंबाई में सबसे छोटी इकाई क्या है, mm, वैसी सबसे छोटी इकाई इसमें क्या हो गई, ये सूत्र है इसका निकला क्या, ये हमारा इसी को जो है एक पास्कल कहा गया। ठीक है, प्रेशर का एक पास्कल हो गया। अच्छा, अब इतनी छोटी इकाई से तो लंबाई मतलब समझ में आएगा नहीं भाई, mm से ही क्या लंबाई चौड़ाई सब नाप लेंगे, ऐसा तो नहीं है, उसके लिए और बड़ी मतलब जरूरत पड़ेगी हमको इकाई की। तो अब एक जो है इसको सबसे पहले, ये एक पास्कल है, इसको एक किलो पास्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक किलो पास्कल, इसको पहले एक किलो पास्कल बनाते हैं। तो एक किलो बराबर क्या होता है, एक किलो बराबर कितना होता है, 1000 होता है ना। ठीक है, तो एक किलो मतलब एक पास्कल को जब हम एक किलो पास्कल बनाएंगे, एक पास्कल बराबर, एक किलो पास्कल बराबर कितना हो जाएगा, किलो पास्कल बराबर
एक किलो पास्कल बराबर एक हजार पास्कल। समझ में आया? जब हमने इसको किलो पास्कल बना लिया तो क्या हो गया, एक हजार पास्कल हमारा बन गया। ठीक। अच्छा, अब एक हजार पास्कल जो है, एक किलो पास्कल बराबर में एक हजार पास्कल होते हैं। ये चीज तो हमको समझ में आ गई। तो अब अगर जो कहीं लिखा है किलो पास्कल, ये लिखा है ना किलो पास्कल, तो मतलब एक किलो पास्कल, अगर कहीं एक किलो मतलब एक दिख रहा है, केपीए है लिखा है उसमें, तो मतलब ये है कि एक किलो पास्कल दिखा रहा है। इसका मतलब अगर कहीं पास्कल लिखा हो तो एक हजार हो जाएगा, है ना। तो अब लेकिन पास्कल इतनी छोटी इकाई है कि वो कहीं हमको दिखाई देती नहीं। हमें क्या दिखाई देती है, उसके अलावा बार दिखाई देती। ठीक है, अब एक किलो बराबर एक हजार, तो एक के एक किलो पास्कल में हो गया हमारा एक हजार पास्कल। अब एक किलो पास्कल, जो एक किलो पास्कल है हमारा, वन के पी ए को वन के पी ए में सौ का गुणा अगर कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल के आएगा, बार, एक बार, एक बार। ठीक, सौ किलो पास्कल बराबर एक बार। समझ में आई बात आपको? ठीक है। अब हमें अगर कहीं पर ऐसा दिखता है कि बार लिखा हुआ है, मान लो ये आपका गेज है, अब इसमें बार दिया गया है और इसमें जो है केपीए दिया गया है। ठीक है, दो यूनिट दिया थे, अगर दो यूनिट दिए हुए कहीं बार है और केपीए भी दिया हुआ है, तो जहां पर मतलब हमारा एक बार है तो उसमें हमें पता हो, मतलब इससे हमें पता चल गया कि यहां एक बार दिखा रहा है। अगर हम देखेंगे कि एक के हंड्रेड केपीए, हंड्रेड किलो पास्कल एक बार बराबर, और एक बराबर मतलब हंड्रेड पास्कल हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब बात समझ में आ गया कि, और किलो पास्कल समझ में आ गया, केपीए समझ, हजार पास्कल, एक हजार पास्कल बराबर मतलब एक किलो पास्कल। ठीक है। तो अब जो है हमने इसको एक हजार पास्कल को, जो हमारा एक किलो पास्कल था, अब एक किलो को अगर सौ से गुणा कर दिया जाए, उसको सौ गुणा कर दिया जाए तो हमारा क्या हो गया है, एक बार। तो एक बार बराबर हो गया हमारा सौ किलो पास्कल के। ठीक है, एक बार बराबर सौ किलो पास्कल के। अच्छा, अब पीएसआई क्या है, ये दो चीज क्लियर हो गई आपकी। अब ये पीएसआई क्या है, अब अगर कहीं पीएसआई लिखा होता है ऐसा, पीएसआई, पीएसआई का फुल फॉर्म पहले समझिए, पॉन्ड, पॉन्ड पर स्क्वायर। पॉन्ड पर स्क्वायर इंच, ये है पीएसआई, मतलब स्क्वायर इंच में कितने पॉन्ड का दबाव है पीएसआई से। तो अब हमें ये पता था, हमें ये पता था कि एक बार बराबर होता है 100 किलो पास्कल, हमें ये पता था कि एक बार बराबर 100 किलो पास्कल होता है। तो अब हमें यह पता करना है कि जो है एक बार में पीएसआई कितना होता है। तो बस एक बार में पीएसआई होता है 14.5 पीएसआई। कितना होता है, मान लो आप गेज में, गेज के पास गए, उस गेज में ऐसा गेज है, उसके उसमें जो है ऐसा घड़ी एक पे है। ठीक। अब इसमें लिखा हुआ था आपके एक बार, नीचे लिखा हुआ था पीएसआई, तो जो नीचे, जो यहां नीचे लिखा होगा, अगर ऊपर बार का दिखा रहा है नीचे क्लियर, तो एक बार में होता है 14.5 पीएसआई। और अगर ये मान लो, अगर जो आपका मान लो 5 केजी, 5 बार प्रेशर है, तो 5 का इसमें गुणा कर दो तो 14.5 70 जो भी आएगा, तो लगभग ये 70-75 के पास ये दिखाई देगा आपको, ये मतलब नीचे जो है 75 कुछ अंकित होगा। ठीक है। तो एक बार बराबर कितना होता है 14.5 पीएसआई। कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्त, जहां पर एक
बार और पीएसआई लिखा हो तो आपको याद रखना है कि एक बार बराबर हमारा होता है 14.5 पीएसआई। अगर कहीं 6 बार प्रेशर दिखा रहा है तुरंत उसको 14.5 से गुणा कर दो, आपको जो है जो डिजिट आएगी वही आएगी सामने। कहीं 78-76 कुछ लिखा है, अब आपको कोई पूछ ले, अब अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लो कि आपका कहीं पर पीएसआई लिखा हुआ है, पीएसआई लिखा है मान लो 80 उसमें दिखाई दे रहा है कि पीएसआई 80 है, तुरंत उसको 14.5 से भाग दो और जो भी उत्तर आएगा वो आपका क्या होगा, इतने बार का प्रेशर आपका आ जाएगा। अच्छा, बार हो गया क्लियर, पीएसआई हो गया, अब केजी सीएम स्क्वायर देखना है कि कितना किलो। तो अब आपको याद रखना है कि एक बार बराबर 1.01 केजी सीएम स्क्वायर। तो एक बार बराबर 1.01 मतलब लगभग सेम, मात्र 0.1 का फर्क है। इसलिए जब बार वाले हम गेज देखते हैं जहां बार लिखा होता है वो केजी से लगभग मिलता जुलता होता है, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे बार इसमें कहां लिखा है, इसमें केजी क्यों नहीं लिखा है। तो केजी और बार का जो है ना ये लगभग सेम होता है, कितना, एक बार बराबर क्या होता है 1.1 केजी सीएम स्क्वायर। अब अगर कहीं पर अब मान लो एक इतना मतलब प्रेशर आपका दिखा रहा है 2 केजी का, ठीक है, अब उसमें पीएसआई कितना दिखाएगा, तो एक बार बराबर हमारा 14.5 पीएसआई है, तो अब 2 केजी अगर, अब केजी और बार लगभग सेम है तो 2 केजी अगर दिखा रहा है प्रेशर तो आप उसे 14.5 से गुणा कर देंगे, 14.28 एक मतलब 0.5, तो लगभग 29-30 आपको पीएसआई दिखाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एक बार आप इसको जो है फाइनली लिख लेते हैं जाकि आपको और किसी को कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो आप सब शुरू करिए, लिखिए एक बार बराबर क्या होता है 1.01 केजी सीएम स्क्वायर, ठीक है, एक बार बराबर, ठीक है। अगर आपको पीएसआई कोई पूछता है तो 14.5 पीएसआई, ठीक। अब एक बार बराबर पास्कल में अगर कोई पूछ रहा है, ठीक है, तो एक बार बराबर 100 किलो पास्कल, ठीक, समझ में आ गया। एक बार बराबर इतना हमारा केजी और इतना हमारा पीएसआई और कितना हमारा किलो पास्कल, ठीक है। अब अगर कोई इसके आगे यही चीज तुम्हें चीज हमारे उसमें दिखाई देती है हमको समझ लेना है। अब मान लो हमारा केजी दिया हुआ है, कहीं हम प्रेशर देखने गए, हमारा 8 केजी है या 5 केजी है, मान लो 5 केजी है, तो 5 केजी को अब मतलब पीएसआई बनाना है कि अगर पीएसआई में अगर देखना है तो इसको तुरंत इसको 14.5 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, पीएसआई में मानक आ जाएगा। अब मान लो कहीं पर 75 लिखा हुआ है, 75 पीएसआई दिखा रहा है, अब आपको पूछा जाए कितना केजी प्रेशर है, तो तुरंत इसको 14.5 से भाग दे देना है, आपको केजी सीएम स्क्वायर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कहीं भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे समझ में आ गई ना आपको पूरी बात कि किस तरीके से हमको पता करना है। इतनी चीज ध्यान रखनी है कि एक बराबर जहां बार और केजी लगभग सेम होते हैं, 1.01 होता है, एक बार बराबर 1.01 केजी और एक बार बराबर पीएसआई अगर देखा जाए तो 14.5 होता है और एक बार बराबर 100 केपी होता है किलो पास्कल, तो ठीक है। तो हमको अब मान लो आपको कहीं लिखा मिल गया 500, 700, 800 अच्छा लिखा होता है ना, तो 500 केपीए बराबर अब आपको क्या करना है, इसका बार बनाना है, तो इसमें तुरंत 100 का भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 5 बार, ठीक है। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं किसी को किसी में, जिसे हमको पीएसआई से बार बनाना है, बार से किलो पास्कल बनाना है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होते हैं। आपको यह याद रखना है कि पीएसआई 1 केजी में हमारा एक बार में कितना पीएसआई होता है और लगभग सेम होता है, तो उसको उसी से तुरंत गुणा करके भाग करके हम आपको तुरंत
हासिल कर लेंगे। मान लो गेज में देखा हमने कि यार PSI दिखा रहा है इसमें और किलो नहीं दिखा रहा है, और हमसे सर ने पूछा है किलो बताओ, तो क्या कर लेंगे, PSI का मतलब हमें ध्यान है कि एक PSI में एक बार में 14.5 PSI होता है, तो आप जब गेज देखोगे तो उसमें जो भी डिजिट आएगी उसमें 14.5 का भाग दे दो, आपका KG में प्रेशर आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं, अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी सी बात अगर आपने समझ लिया है तो। ठीक है दोस्त, हाँ, कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको समझ में आ गई बात तो दोस्त लाइक करना मत भूला करिए, जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने अभी बाकी हैं, और बहुत सारा वीडियो इसमें बहुत सारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो पहले आ चुके हैं, आप वीडियो को देखें और अपने हिसाब से उसको समझें। ठीक है दोस्त, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।